दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती 2022, तो दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती 2022 के एडमिट कार्ड हैं, प्रवेश पत्र हैं, वो जारी हो चुके हैं। साथियों 12 और 19 मार्च को ये जो परीक्षा है ये होनी है, दो डेट्स के अंदर परीक्षा होनी है। आपको किस तरीके से अपना एडमिशन कार्ड जो है, प्रवेश पत्र है, वो डाउनलोड करना है वो बताने वाले हैं। बेसिकली आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका उसका भी हल बताने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रेस नोट है एडमिशन कार्ड के रिगार्डिंग, वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ एग्जाम के रिगार्डिंग, वो भी टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी। हम अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के एडमिशन कार्ड की। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आएगा दोस्तों, ठीक है, इस तरीके का। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग अपना होम या डिटेल एडवर्टीजमेंट वगैरह सारा कुछ पढ़ सकते हैं। लॉगिन पे टैप करना, लॉगिन पे टैप करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और यहाँ पर अपना पासवर्ड और तीसरी जो चीज़ है वो ये आपको कैप्चा कोड, ठीक है, V2S8TZ, ठीक है, ये इस तरीके का भर के और आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब तो ये तो हो गई, जिन लोगों के पास अपना यूजर नेम है और पासवर्ड है उनके लिए, वो तो सिंपल वे में निकाल सकते हैं। अब भाई जिनके पास ना तो यूजर नेम है और ना ही क्या है पासवर्ड है, तो वो कैसे क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए दोस्तों, जैसे आप इससे नीचे करोगे, लॉगिन से ठीक नीचे देखोगे तो आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो यहाँ पे लिखा रहा है फॉरगोट पासवर्ड और फॉरगोट यूजर नेम, ठीक है। तो अगर आपको जो भी चीज़ नहीं पता, मान लीजिए आपको यूजर नेम तो पता है लेकिन पासवर्ड नहीं पता, तो जिस पर भी आप टैप करोगे उस पर से ही जा कर के आप लोग अपना यूजर नेम डाउनलोड कर पाओगे। जैसे मैंने उस पर यूजर नेम चाहिए मेरे को, तो यूजर नेम कैसे मिलेगा आपको, यूजर नेम वाला जो फॉरगेट है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जन्मतिथि भरनी है, डे भरना या मंथ भरना, ईयर भरना है, उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद ये कैप्चा कोड और फिर यहाँ पर रिकवर यूजर नेम। इस तरीके से आपको यूजर नेम मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भाई यूजर नेम लेने के बाद जो पासवर्ड है वो चाहिए, तो आप उस तरीके से पासवर्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं और अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से फॉरगेट करके और पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। साथियों पासवर्ड प्राप्त करने के लिए यूजर नेम आपको आ ही गया होगा। सबसे पहले पासवर्ड प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आपको यूजर नेम चाहिए होगा, तो यूजर नेम आप लोग सबसे पहले ढूंढें, उसके बाद आप लोग पासवर्ड वाला ऑप्शन है ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर यूजर नेम भरना या मोबाइल नंबर, फिर कैप्चा कोड, बहुत सिंपल है, आसानी से आप लोग इसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकालना है दोस्तों एडमिट कार्ड, किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, पढ़ सकते हैं उनको बेसिकली। वैसे एडमिट कार्ड में भी आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो ये इस तरीके से सिंपली वे में आप लोग राजस्थान हाईकोर्ट LDC का जो एडमिट कार्ड है जो निकाल सकते हैं। किसी को कोई समस्या हो, किसी को दिक्कत हो, तो आप लोग ये वीडियो है बड़ी सलीनता से देखें, बड़े आराम से देखें इसे, और जो हमने बताया है तरीका उस तरीके से आप लोग अपना यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। और किसी को याद है तो भाई सिंपल वे में जाकर के यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड डालिए और अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर लीजिए। दोस्तों आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग लिंक ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।